की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पूजा सिंघल ने अपना मुंह खोल दिया है और बहुत बड़ा खुलासा किया है। उनके द्वारा खुलासा के बाद ईडी ने दुमका, साहिबगंज और पलामू के खनन अधिकारियों को समन भेजा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, अधिकारियों को ईडी का बुलावा आ गया है। जानकारी के मुताबिक पूजा सिंघल से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर इन अधिकारियों को समन जारी किया गया। सूत्रों के मुताबिक पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के बैंक खाते की पड़ताल में इन खनन अधिकारियों के साथ रुपए के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं, जिसके बाद ईडी ने इन सभी अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि लगातार पांचवें दिन शुक्रवार को भी ईडी ऑफिस में पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार से पूछताछ हुई। अभिषेक झा और सुमन कुमार को आमने सामने बिठाकर ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की। इसके अलावा पल्स हॉस्पिटल के लिए जमीन देने के मामले में लगातार दूसरे दिन रांची के बिल्डर्स आलोक सरावगी से पूछताछ हुई। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।